नमस्कार किसान भाइयों, मैं विवेक शर्मा, जिला अलीगढ़, तहसील गवाना, गांव भोजपुर। मैं आज आपको बेस्ट कंपोजर का कमाल दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये आम वेस्ट डिकम्पोजर से आंवले की क्वालिटी और ये क्वालिटी आंवले की, फल का साइज देखिए ये, और साइज देखिए, ये देखिए साइज, ये वेस्ट डिकम्पोजर से वेस्ट डिकम्पोजर स्प्रेयर पर हमने यूज किया है। और ये जितना भी आंवला है सिर्फ एक बहुत छोटे से पेड़ से निकाला हुआ है, वो पेड़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये एक पेड़ है, छोटा सा एक पेड़ दिखा दो, ये एक पेड़। इस पेड़ से ये जितना भी है, इससे पहले भी थोड़ा सा और बच्चों ने तोड़ लिया है, बाकी ये एक पेड़ से। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस पेड़ पे 3 साल से कोई आंवला नहीं आया था। इस बार 3 साल के बाद जब आंवला आया है, उससे पहले हम कुछ भी यूज नहीं करते थे। इस बार सिर्फ हमने वेस्ट डिकम्पोजर पर 2-3 स्प्रेस की करी है और एक माइक्रो न्यूट्रेंट्स की 2 स्प्रे करी है। उससे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और फल का साइज है। पहले आता था तो बहुत छोटा आंवला इस पे आता था तो गिर जाता था। तो मेरा कहना है कि वेस्ट डिकम्पोजर हर फसल के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी है, और आगे भी मैं दिखाऊंगा। मैंने बेल के पेड़ों पर यूज किया, जिसकी वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। धन्यवाद। एक शर्मा, गांव भोजपुर, तहसील गभाना, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। मैं लगभग 6 महीने से, पिछले जुलाई से, वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से खेती करना मैंने शुरू किया। पहले मैं केमिकल खेती करता था और अब मैंने शुरुआत करी। 1 एकड़ में मैंने धान की फसल ली थी, अच्छा रिजल्ट आया, कोई बीमारी भी नहीं हुई उसमें। लेकिन वो भी मैं पूरी तरीके से नहीं कर पाया, उसमें माइक्रो न्यूट्रेंट थोड़ा लेट बन पाया था, तो कम डोज लग पाई माइक्रो न्यूट्रेंट की। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको एक नई चीज़ मैंने जो अपने खेतों में देखी, 6 जुलाई से अब तक के पीरियड यूज करने में वेस्ट डिकम्पोजर, और जो नई चीज़ देखी गई वो ये थी कि पहले केंचुए हुआ करते थे खेतों में, लेकिन अंधाधुंध केमिकलों का उपयोग करने से हमारे खेतों में केंचुए दिखने हमको बंद हो गए। केंचुए की जो मिट्टी खेतों में दिखाई देती थी वो हमको दिखनी बंद हो गई। जो इस बार मैंने काफ़ी दिनों के बाद, जुलाई से अब तक जिस खेत में मैंने वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से धान किया था, उस खेत में मुझे केंचुए दिख रहे हैं, और जिसका मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। केंचुए तो इस समय नहीं दिख रहे हैं कि वो नीचे चले गए, वो फसल भी कट गई, खेत भी सूख रहा है, लेकिन उसकी जो मिट्टी है ये देखिए, ये केंचुए की मिट्टी कितनी जबरदस्त तरीके से ये दिखाई दे रही है। ये सब केंचुए की, ये केंचुए की मिट्टी से, ये सब केंचुए की मिट्टी जो दिखाई दे रही है, ये सब है। ये पहले बिल्कुल भी केंचुए की मिट्टी नहीं दिखाई देती थी, और ये देखिए, ये सब केंचुए, ये केंचुए की मिट्टी, केंचुए की खाद है, ये केंचुए की खाद है। कहने का मतलब है, जो हम वर्मी कंपोस्ट का यूज करने की सोचते थे, अब हमको वर्मी कंपोस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। हमको मानिए, हमारे डॉक्टर कृष्ण चंदा जी ने हमको एक ऐसी सौगात हमको दे दी है, किसानों को, कि सिर्फ 20 रुपए की बोतल से, वेस्ट डिकम्पोजर की 20 रुपए की बोतल से हमारा वर्मी कंपोस्ट अपने आप बन के तैयार है खेत में। हमको अलग से कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं इसमें, बस वेस्ट डिकम्पोजर और वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा बनाए गए उत्पाद, माइक्रो न्यूट्रेंट, पत्थरों के का अर्क, पत्तियों का अर्क, पेस्टिसाइड और अन्य इस तमाम प्रकार के जो भी यूट्यूब पर डॉक्टर साहब ने बता रखा है, उनका सबका यूज करें। और मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक किसान भाई वेस्ट डिकम्पोजर का यूज करें और इस केमिकल को छोड़ें। केमिकल एक जहर है, केमिकल एक राक्षस है, और हमारे लिए तो जो है सो है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक है। इससे तमाम तरह की जो छोटी छोटी बच्चों को जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, महिलाओं को जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण केमिकल है। वेस्ट डिकम्पोजर अपनाइए, केमिकल छोड़िए, अपने आप से हम सबको स्वास्थ्य मिलेगा, जीवन अच्छा होगा, हमारी जीवन शैली अच्छी होगी, खान पान अच्छा होगा, तो सबको अच्छा होगा। कहते हैं ना, जैसा खाया अन्न ऐसा हुआ मन और तन। जब हम शुद्ध अन्न वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा उगा करके खाएंगे तो हमारा मन और तन और स्वास्थ्य और साथ में धन, सब कुछ भी अच्छा होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
वीडियो में बताया था कि मैंने इसी जुलाई से 6 महीने से एनसीयूएफ गाजियाबाद वाला माननीय कृष्ण चंदा जी के द्वारा निर्मित वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया था, और वेस्ट डिकम्पोजर के इस्तेमाल से मैंने 15.09 बासमती धान की पैदावार ली थी, अच्छी पैदावार मिली है। उसी के साथ साथ मेरे फार्म पर कुछ आंवले के कुछ करौंदे के पौधे लगे हुए थे, तो उसका आंवले का भी मैंने एक बनाया था। आंवले मेरे बहुत अच्छे आंवले हुए हैं, उसका साइज बहुत बड़ा हुआ है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। उसी कड़ी में मैं आज कोई करौंदा का पेड़ है उसको दिखाना चाहता हूँ। ये करौंदा का पेड़ है, लगभग मेरे अंदाज से 10 या 15 साल पुराना करौंदे का पेड़ था, जिस पर कभी बहुत कम आते थे करौंदे, लेकिन करौंदे का साइज इसका बहुत ही छोटा हुआ करता था। और इस बार मैंने इस पर लगभग 3 या 4 बार वेस्ट डिकम्पोजर, जिसमें 2 बार खाली वेस्ट डिकम्पोजर पानी के साथ और 2 बार वेस्ट डिकम्पोजर माइक्रो न्यूट्रेंट के साथ मिला के स्प्रे किया है, और जमीन में ये धान में जब इसमें पानी लगता था उसी के साथ इसमें सोयल में भी जाता था। उसका रिजल्ट ये है कि इसमें से मैं 2 बार करौंदे तोड़ चुका हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, 2 बार करौंदे तोड़ने के बाद अब ये थोड़े से जो बचे हैं, और दोबारा अभी ये करौंदे का साइज देखिए, करौंदे का साइज बहुत बड़ा है। ये तो असल में इसमें से मैं तोड़ चुका था, तोड़ने के बाद मुझे आया कि मुझे आप लोगों को इसका वीडियो दिखाना चाहिए, तो मैं इसका एक वीडियो आज आपको दोबारा से बना कर दिखा ग्रुप में डाल रहा हूँ। ये देखिए ये करौंदे का साइज, ये साइज देखिए, जूम करके दिखाओ, जूम, ये साइज है करौंदे का। इधर इधर भी कुछ करौंदे लगे हैं, इधर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये क्या करौंदे का गुच्छा बना हुआ है, कितना एकदम से लाल करौंदा है, जबकि अधिकतर मैंने पीले रंग का देखा गया है। ये देखिए करौंदे का, ये है, ये इधर, ये ऊपर 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 दिखाइए, ये ऊपर दिखा, ये देखिए, ये बहुत सारे करौंदे लगे थे, तो सब कुछ हमने तोड़वा दिए, उसके बाद बच्चे भी तोड़ के ले गए। तो मेरा कहना यही है कि मैंने 2-3 फसलों पे मैं खुद देख चुका हूँ, धान की फसल में देख चुका हूँ, आंवला देख चुका हूँ, और ये करौंदा देख चुका हूँ। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि केमिकल को बिल्कुल छोड़े, सिर्फ और सिर्फ NCOF टेक्नोलॉजी वाला वेस्ट डिकम्पोजर, और वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा सारे उत्पादों का अपनी खेती में यूज करें, रसायन मुक्त धरती माँ को करें, और रसायन मुक्त जब धरती माँ होगी तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारे आगे की पीढ़ियां अच्छी होंगी, और धरती माँ अच्छी होगी, और हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।